वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आरसीटी कभी फेल नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है, यदि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो और एग्जाम गलत दिया हो, एग्जाम में अच्छे से आंसर नहीं किए हो तो फेल हो सकती है। या अपार्ट फ्रॉम जो आरसीटी डेफिनेटली फेल हो सकती है यदि उस आरसीटी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया गया हो, ओवरलोड कर दिया गया हो, उससे बहुत सारे काम कराए जा रहे हो उस दांत से, तो उस कंडीशन में आरसीटी फेल हो सकती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कैनाल माँ मिसिंग रह गई या फिर एसेसरी कैनाल में इन्फेक्शन हो गया, साइड से इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आरसीटी फेल हो जाती है। तो इसलिए आप कभी भी डॉक्टर से आरसीटी की गारंटी नहीं मांग सकते कि भाई इसकी क्या गारंटी है, कब तक चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं होता, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, उस कंडीशन में भी आरसीटी में पेन होने के चांसेस होते हैं, वहां इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी आरसीटी कभी फेल नहीं हो सकती। ये सोचकर भी घबराएं नहीं कि आरसीटी हमने कराई है तो वो फेल हो ही जाएगी, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आरसीटी फेल नहीं हो सकती। तो हमें जैसे हम नेचुरल टीथ की केयर करते हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है आरसीटी ट्रीटेड टूथ को, तो उसकी अच्छे से ध्यान रखिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, खाना फंस रहा है, हल्का फुल्का पेन फील हो रहा है, या कभी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल।